राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री अभियान के तहत कूड़ेदान मुक्त करने की कवायद नगर निगम की ओर से तेज कर दी गई है। बता दें कि ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया है जहां पर कूड़ेदान हटाए जाने हैं। साथ ही कई स्थानों से कूड़ेदान हटाए भी गए हैं। इसी क्रम में नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुले स्थान पर कूड़े फेंके जाने को लेकर है, जिसके लिए नगर निगम जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय निवासियों से कूड़ा न फेंकने की अपील कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जनवरी माह के अंत तक देहरादून के सभी क्षेत्रों को डस्टबिन मुक्त कर दिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, डस्टबिन फ्री करने के निर्देश हमको शासन से प्राप्त हुए हैं पूरे देहरादून महानगर को। इसके क्रम में अपने हमने आइडेंटिफाई किए हैं कितनी लोकेशंस पर हमारे डस्टबिन अभी प्रयोग किए जा रहे हैं। सार्वजनिक डस्टबिन तो करीब 80 लोकेशंस वो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसका हमने एक प्लान तैयार किया है। तो हमने प्लान ये तैयार किया कि जनवरी एंड तक हम उसको पूरी तरीके से हटा देंगे सड़कों से। और अभी इसमें से कार्रवाई कुछ प्रारंभ हो गई है। 4 या 5 डस्टबिन हमने पिछले 2-3 दिन में हमने हटा दिए हैं। और उन स्थानों पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं अभी कि बिहेवियर चेंज एस्पेक्ट के द्वारा या इंसेंटिवाइज करने के द्वारा लोगों के द्वारा वहां पर कूड़ा ना फेंका जाए, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।